भागलपुर के सुल्तानगंज के मुरारका कॉलेज के प्रांगण में 18 दिसंबर को नगर निकाय चुनाव के मतदान को लेकर एसडीओ धनंजय कुमार के नेतृत्व में नगर परिषद सुल्तानगंज के 64 बूथ एवं अकबर नगर पंचायत के बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति करते हुए ईवीएम मशीन देकर अकबर नगर पंचायत के बूथों एवं नगर परिषद सुल्तानगंज सहित बूथों की ओर रवाना किया गया। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार ने मीडिया को बताया कि नगर निगम चुनाव को लेकर सभी बूथों पर सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की गई है। इसके लिए सभी बूथों पर ईवीएम मशीन देकर किया गया है। इसके लिए सभी बूथों पर पुलिस बल को लगाया गया है ताकि शांतिपूर्ण मतदान हो सके। साथ ही सभी मतदाताओं से अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग करते हुए मतदान करने की अपील की। इस दौरान उप निदेशक कल्याण विभाग के अनु कुमारी, बीडीओ मनोज कुमार मुर्मू, सीओ शंभूषण राय, सहकुंड बीडीओ अभिनव कुमार, सांख्यिकी पदाधिकारी राजेश कुमार, कृषि पदाधिकारी अजय मणि, बजर दल के प्रभारी सूरज कुमार, थाना अध्यक्ष प्रियरंजन कुमार सहित अन्य अधिकारी व पुलिसकर्मी मौजूद थे। अभी यहाँ पे पोलिंग पार्टी की डिस्पैच की जा रही है और साथ ही साथ सेक्टर पदाधिकारी क्लस्टर प्रभारी जो बनाया गया है, प्रत्येक 3 वार्ड पे क्लस्टर बनाया गया है जहाँ पे रात्रि में जाके पोलिंग पार्टी और जो पीसीसीपी है वो रुकेंगे, उसके बाद वो अपने संबंधित बूथ के लिए प्रस्थान करेंगे। साथ ही साथ सेक्टर पदाधिकारी की भी नियुक्ति की गई है ताकि इलेक्शन के दिन वो मोबाइल रहेंगे फील्ड में, और अगर कहीं पे BUCU में कुछ समस्या आती है तो मास्टर ट्रेनर भी टैग है उनके साथ, वो अविलंब जाके उसको ठीक करेंगे ताकि निर्बाध हम लोग इलेक्शन करवा सकें। सभी जगह पे फोर्स की डिपोजिशन की गई है, लगभग सभी लोग आके ज्वाइन भी कर लिए हैं, तो हम लोग निश्चित रूप से शांतिपूर्वक चुनाव। मतदाताओं के लिए सर क्या निर्देश देंगे? सर मतदाताओं से देखिए निर्देश क्या, उनसे यही अपेक्षित है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए क्योंकि मतदान का उपयोग करें, उन्हीं का ये अधिकार है। 5 साल में एक बार चुनाव होता है नगर निगम का चुनाव, और जितना लोकल स्तर का चुनाव होता है उतना ज़्यादा हम लोग के जीवन से जुड़ा हुआ चुनाव, सफाई की बात हो, पानी की बात हो, वो कहीं ना कहीं नगर निगम से जुड़ा हुआ है। उनसे ये यही अपील है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए, जो आयोग के निर्देश हैं उसका पालन करें। छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की जहां मौत हो गई उसके बावजूद लोग शराब पीने से बाज नहीं आ रहे, वहीं उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराब पीने और शराब बेचने वालों के खिलाफ सघन कार्रवाई की जा रही है। कल दोपहर से जिले में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत 89 शराब पीने वाले पकड़ाए हैं, वहीं 11 शराब बेचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। कुल 100 लोगों की गिरफ्तारी उत्पाद विभाग के द्वारा की गई है। वहीं उत्पाद विभाग के लोगों का कहना है कि अधिकतर लोग बगल से सटे झारखंड से शराब पीकर पहुंच रहे हैं और उसी रास्ते से शराब लाई भी जाती है, जिसकी सूचना पर लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। वहीं गिरफ्तार लोगों को मेडिकल के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां लाइन लगाकर सभी का कोरोना जांच कराया जा रहा है। पूरे बिहार में सभी जिला में युद्ध स्तर पर छापामारी चल रही है और सभी जिला में नजर रखा जा रहा है और काफी संख्या में लोग पकड़ा रहे हैं। भागलपुर में 89 व्यक्ति पकड़े गए हैं पीने में और 11 व्यक्ति शराब के साथ पकड़े गए हैं। ये लगातार छापामारी से रातों और दिन चल रहा है काफ़ी तेजी से, और सभी अफसर मिल करके छापामारी कर रहे हैं। बॉर्डर एरिया पास में पड़ता है इसलिए झारखंड बगल में है, इस कारण लोग उधर से पी करके आ जाते हैं। जिला स्तर में तो उस तरह की कोई शिकायत नहीं मिलती, जहाँ शिकायत मिल रही है वहाँ तुरंत छापामारी किया जा रहा है। के कला केंद्र में 3 दिवसीय रंग महोत्सव की शुरुआत हो गई। कार्यक्रम के उद्घाटन के बाद भागलपुर के ताल संस्था के द्वारा झिझिया डांस, छठ गीत पर डांस व शादी के बाद विदाई के गीतों पे डांस का आयोजन किया गया। स्टार डांस ग्रुप की संस्थापक श्वेता भारती के नेतृत्व में डांस की प्रस्तुति की गई। इस दौरान काफी संख्या में दर्शकों ने नृत्य का लुत्फ उठाया। नगर निकाय चुनाव को लेकर भागलपुर की शहरी क्षेत्र में अब सरगर्मी तेज होने लगी है। 28 दिसंबर को मेयर, उप मेयर और पार्षद पद के लिए मतदान होना है, जिसके लिए अब सभी प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार में जोर लगा दिया है। नगर निगम भागलपुर से मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल लगातार जनसंपर्क अभियान चला रही है। वो लोगों से मिलकर अपने वादों और इरादों से मतदाताओं को अवगत करा रही हैं, साथ ही अपने चुनाव चिन्ह चमटम छाप पर मतदाताओं से वोट करने की अपील भी कर रही हैं। जनसंपर्क अभियान के तहत भागलपुर नगर निगम के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने आज खलीपाबाग मुख्य बाजार, वैरायटी चौक, सूजागंज, हड़ियापट्टी, सूतापट्टी, पराठा गली, बाटा चौक, कलाली गली, स्टेशन चौक, महावीर प्रसाद द्विवेदी रोड, कोतवाली चौक सहित पूरे बाजार में घूम घूमकर मतदाताओं से मिली और अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान वसुंधरा लाल के साथ उनके समर्थक और महिलाओं की अच्छी खासी भीड़ भी देखी गई। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर वसुंधरा लाल ने बताया कि उन्हें मतदाताओं का भरपूर सहयोग मिल रहा है। अपनी बातों से वो मतदाताओं को अवगत करा रही हैं और उन्हें पूरा विश्वास है कि मतदाता इस बार राजनीति और
जात पात से उठकर उन्हें वोट करेंगे। साथ उन्होंने कहा कि मतदाता अगर उन पर विश्वास जताते हैं तो स्मार्ट सिटी भागलपुर की सभी विकास कार्यों को वो जल्द से जल्द पूरा करवाएंगी। मुझे तो जनता का भरपूर समर्थन दिख रहा है। मुझे लगता है कि जनता मुझे इतना पसंद कर रही है, वो अपने घरों से निकल के बाहर आ करके हमको भरपूर प्यार दे रही है। मैं पूरी जनता की दिल से आभार देती हूँ और उनका शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं भागलपुर की जनता से ये अपील करना चाहूँगी कि मुझे आप उस पद पर बैठाएं जिसके लिए आप मेरे लिए बाहर आती हैं, मुझे सपोर्ट करती हैं, और उसके बाद में आप सबों का जो भी प्रॉब्लम है, जो भी आपकी असुविधाएं हैं, सबको मैं दूर करूंगी। छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत के बाद भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फूंक चुकी है। इसी क्रम में भागलपुर के भगत सिंह चौक से खलीपाबाग तक बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा पैदल मार्च निकाला गया और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला प्रशासन और शराब माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं का कहना है कि जहरीली शराब से हुई मौत के बाद जिस प्रकार का बयान मुख्यमंत्री के द्वारा दिया गया वो कहीं से भी उचित नहीं है। इन लोगों ने सरकार से मांग की है कि जहरीली शराब से हुई मौतों के पीड़ितों को मुआवजा दे और शराबबंदी को सख्ती से लागू किया जाए। प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने खलीपाबाग चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिला प्रशासन और शराब माफिया का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी की। सरकार के इस बयान पर कि बीजेपी शासित प्रदेशों से शराब यहां लाई जा रही है, इस पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब सरकार को यह पता है कि शराब कहां से आ रही है तब इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही। कार्यकर्ताओं ने सरकार, जिला प्रशासन और शराब माफिया के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। यह तो उनके मानसिक दिवालियापन को दर्शाता है कि आप जिस चीज़ को आप रोकने में सफल नहीं हो रहे हैं और उसकी दोष जो है यहाँ के लोगों पर दे रहे हैं। जब आपने शराबबंदी लागू किया है तो बिहार में शराब क्यों आ रहा है, कैसे बिक रहा है, और इस प्रकार की जो घटना की पुनरावृत्ति हो रही है आप कर क्या रहे हैं। तो वह केवल बयान देकर और दूसरे के आवाज़ को दबाकर, दूसरे को तकनीकी रूप से माइक विधानसभा के अंदर बंद करके वह बिहार की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। बिहार के एक एक नागरिक जो है उनको इस बार सबक सिखाने का काम। छपरा में जहरीली शराब से 80 लोगों की मौत के बाद जहां उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर पुलिस प्रशासन भी शराब की खेप पकड़ रही है। इसी क्रम में आज औद्योगिक थाना क्षेत्र के इंजीनियरिंग कॉलेज के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक स्कॉर्पियो और एक पिकअप वैन पर, जिस पर आलू और लहसुन लदा हुआ था, उसके भीतर छुपा कर 49 कार्टून विदेशी शराब के साथ कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया। शराब झारखंड के गुड्डा से लाई जा रही थी। गिरफ्तार लोगों से पुलिस लगातार अन्य तस्करों के बारे में भी पूछताछ कर रही है। कहावत है, हिम्मत और हौसले से मनुष्य नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिखाता है। जी हाँ, हम आपको एक ऐसे नवयुवक के बारे में बता रहे हैं जो स्पीच ऑडिबल सहायक वाणी का सरकारी नौकरी को छोड़ आज के दिन मशरूम की खेती कर अपने घर से लेकर कई घरों को रोजगार मुहैया करा रहा है। इससे लगभग 15 परिवार का जीवन यापन होता है। भागलपुर के एक छोटे से गाँव फतेहपुर के पासवान टोला का प्रीतम कुमार नागेश्वर पासवान का पुत्र है। प्रीतम बताता है कि वो 11वीं पास करके 2010 में जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में स्पीच एंड हियरिंग की पढ़ाई की। 2012 में बिहार शिक्षा परियोजना सहरसा में असिस्टेंट स्पीच थेरेपिस्ट कम ऑडियोलॉजिस्टिक के पद पर नियुक्त हुए। सरकारी कारा दबाव को देखते हुए 15 अगस्त 2016 को नौकरी से त्याग पत्र दे दिया। घर में बैठे बैठे सोचा कि अपना ही कोई छोटा काम कर स्वरोजगार को अपनाया जाए। एक माह बाद ही अपने मामा के लड़के के सहयोग से शुरुआती दौर से खुद से छोटे से घर में मशरूम की खेती करने की शुरुआत की। हम आपको बता दें, यह एक ऐसा फसल है जो सिर्फ ठंडे क्षेत्र में ही किया जा सकता है, लेकिन भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड में 365 दिनों तक एक बीघा खेत में मशरूम की खेती कर अपने परिवार के साथ कईयों के परिवार के जीविकापार्जन का सहारा बन चुका है। पहले देश विदेश के लोग इस मिट्टी के कतरनी चूड़ा और चावल का ही स्वाद ले रहे थे, लेकिन आज के समय में मशरूम का भी स्वाद चख रहे हैं। साथ ही यहाँ के मशरूम भागलपुर जिला के साथ कई अन्य शहरों, कलकत्ता, सिलीगुड़ी तक पहुँचाई जा रही है। किसान ने बताया कि सरकार द्वारा अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। हम लोगों की इस खेती में अधिक समस्या बिजली आपूर्ति और उसका कमर्शियल बिल के चलते आती है। वैसे ये हमारे परिवार के साथ कई अन्य परिवारों के जीविकोपार्जन का साधन बना हुआ है। देखिए, ये दुनिया को पता है कि जगदीशपुर का कतरनी पूरे ऑल ओवर इंडिया के अलावा और बाहर कहाँ जाता है ये तो आइडिया नहीं, बट पूरे ऑल ओवर इंडिया में जाता है ये तो आप जान ही रहे हैं। लेकिन ये भी आपको जानना होगा कि कुछ ऐसे जगह हैं जहाँ पे कि पानी का अभाव होता है और वहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। तो उसी में से मैं जगह ढूंढ रहा था कि मुझे मशरूम का काम करना है, क्योंकि मैं प्रॉपर तो रहने वाला भागलपुर सबौर से हूँ,
तो वहाँ पे इस तरह का मुझे लैंड नहीं मिल रहा था जहाँ पे कि मैं काम कर सकूँ सही से। तो यहाँ पे क्योंकि मेरा कुछ ज़मीन है अपना, तो मैं इसी सिलसिले में यहाँ आकर के ढूंढ रहा था कि कहीं पे अच्छा सा ज़मीन मिल जाए जिसमें मैं मशरूम का काम कर सकूँ। तो ये जगह मुझे मिला जो कि रोड के किनारे में ही है, SH के नीचे में ही है। तो फिर मैं ज़मीन मालिक से बात किया और वो एग्री किए और फिर मैंने यहाँ पे अपना सेटअप लगाया। जैसा कि आप पूर्व में जॉब में थे, एक सरकारी जॉब में थे, उसको छोड़कर यह आप काम शुरू किए, ये कैसे मन में हुआ कि हम जॉब छोड़ दें? लोग जॉब के लिए जो है कि रात दिन लगे हुए हैं। देखिए सर, ये तो सभी लोगों का पर्सनल मैटर है, इसमें मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ आपको। ये मेरा अपना निजी इच्छा था कि मुझे अपने साथ साथ मेरे परिवार और मेरे गाँव समाज के लिए मुझे कुछ करना है। तो मुझे ये ख्याल आया कि अगर मैं जॉब करूँगा तो मैं मेरे लिए तो बेहतर कर ही लूँगा, बट इससे सिर्फ मेरी ही बेहतरी हो सकती है, ना मेरे समाज को कोई योगदान मिलेगा। अब देखिए, अलग अलग थॉट्स हैं अलग अलग लोगों के कि वो समाज में कैसे अपना कंट्रीब्यूशंस देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ और बड़ा करके कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। तो फिर मैंने वहाँ पर से अपने जॉब से क्विट किया और फिर थोड़ा बहुत मार्केट पहले सर्च किया कि कैसे काम करना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो मुझे इस बीच में आइडिया आया कि मुझे मशरूम का काम करना चाहिए। तो मैंने छोटे पैमाने से इसका काम का शुरुआत किया था और तब से लेकर के आज 2016 सितंबर महीने से मैंने काम शुरुआत किया था और अभी 2022 चल रहा है, दिसंबर मंथ है। और मैं अभी जो आप खड़े हैं, ये कंट्रोल यूनिट है, AC यूनिट है, मैं यहाँ तक आया हूँ, तो आप समझ ही पा रहे होंगे कि कितना समय लगा वहाँ। देखिए सर, सबसे पहले आपको ये बात तो समझना होगा कि ये बात आपने बिल्कुल फैक्ट किया कि सीजनल और अनसीजनल, यानी कि सीजन का मतलब हुआ कि जब ठंड का मौसम आता है, जैसे आपने हिमाचल प्रदेश का नाम लिया, गंगटोक का नाम लिया, तो गंगटोक के बारे में तो मुझे नहीं पता, बट हिमाचल के बारे में पता है कि वो पूरा जो एरिया का ठंड का एरिया होता है, और हिमाचल प्रदेश, सोनीपत, हरियाणा, ये सब शुरुआत में मशरूम तो ज़्यादातर उधर से ही होता था, सोलन में। बट क्या है कि सीजन के अलावा, वहाँ के अलावा भी सीजन में अपने बिहार में भी बहुत सारे लोग किसान खेती करते थे, तो उनको देख करके मुझे तो ये समझ में आ ही गया कि सीजन में यहाँ भी किया जा सकता है। बट सीजन के अलावा अब जब आप बाज़ार खड़ा करते हैं तो लोगों को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो क्या वो सीजन में ही मशरूम खाएंगे? ऐसा तो कुछ नहीं है, फिर भी उन्हें ज़रूरत है। तो तब मुझे ये आइडिया आया कि नहीं, इसका एक कंट्रोल यूनिट होना चाहिए जिसमें कि हम 365 दिन मशरूम का काम कर सके। तब जा करके हम धीरे धीरे काम को बढ़ा किए और आज हम ये कंट्रोल यूनिट चला रहे हैं। कितने लोगों को यहाँ पे आप सर्विस दे रहे हैं, जॉब दिए हुए हैं? देखिए सर, 4 से 5 लोग तो ऐसे हैं जो कि हमारे यहाँ पे वो रहते ही हैं, उनको काम है हमेशा, वो दिन रात का यहाँ पे उनका काम होता है। इनके अलावा बहुत सारे, जिस गांव के ये नज़दीक में है, ये टेकानी बस्ती पड़ता है, इसके बगल में यहाँ पर के जो लोग हैं उनको यहाँ पे कम से कम 25 से 30 लोग ऐसे हैं जिनको कि मैं महीने में 20 दिन कम से कम काम देता हूँ। यहाँ से जैसे लोगों प्रोडक्शन तो कर लेते हैं लेकिन मार्केट में जो है कि वो नहीं उतर पाते हैं, नहीं उतार पाते अपने प्रोडक्ट को, वो कितना कठिन है आपको यह मल यहाँ पे? शुरुआत में सर ये परेशानी आई थी क्योंकि उस समय भागलपुर में लोग मशरूम तो खा रहे हैं, कल भी खा रहे थे, आज भी खा रहे हैं, बट कल में और आज में ये फ़र्क है कि जिसमें मैंने काम का शुरुआत किया था, मुझे बढ़िया से याद है कि 2017 के आसपास का वो टाइम था जहाँ की 5 से 10 किलो मशरूम बेचने में मुझे परेशानी होती थी। और आज अगर करेंट में बात किया जाए तो अकेले का मेरा बाज़ार है जहाँ की मैं कम से कम 200 kg से 300 kg तक मैं यहाँ पे इस लोकल एरिया में सप्लाई कर लेता हूँ आराम से। यहाँ का माल कहाँ कहाँ सप्लाई होता है? भागलपुर जाता है, सिल्लीगुड़ी जाता है, गोड्डा जाता है, बोकारो धनबाद भी चला जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वहाँ से भी मंगाते हैं, बट हमारे अपनी मशरूम की क्वालिटी है जो कि हम क्वालिटी के बल पे वहाँ से लोग यहाँ मंगाते हैं और हम यहाँ से बाहर भेज देते हैं। यहाँ कठिनाइयाँ आपको क्या क्या है? देखिए मेन कठिनाई है सर, क्या ये जो क्षेत्र पड़ता है ये थोड़ा सा दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पे थोड़ा सा लेबर तो अनट्रेंड है ही, वो तो परेशानी है ही, दूसरी परेशानी हो जाती है बिजली की। बिजली क्या है कि दक्षिणी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ पे बिजली प्रॉपर नहीं मिलता है। अब बिजली नहीं मिलेगा तो आप समझ रहे हैं कि ये AC यूनिट है, AC चलाने के लिए फिर हमें जनरेटर चलाना पड़ता है, अब जनरेटर में क्या कॉस्ट भाग जाता है, तो ये परेशानी है। और दूसरी परेशानी है कि बिजली की जो दरें हैं ना वो भी कम होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे हमें बिजली की दरें जो है कमर्शियल लगती है। और मुझे क्या दर मिल रही है? ये शायद 7 रुपये के आसपास यूनिट पड़ता है। सरकार के अधिकारी या कर्मी कोई आपसे संपर्क किए हैं? ऐसे तो वो लोग कभी अपने से संपर्क नहीं किए हैं, मुझे ही परेशानी होने की वजह से मैंने जितनी बार उनसे जा करके मिला उनको अपना परेशानी बताया कि सर मुझे ऐसे से। भागलपुर के नवछिया के परबत्ता थाना क्षेत्र के छर्रा पाटी गांव के केला बागान के पास अभिमन्यु कुमार नामक युवक को गांव के ही सुभाष यादव के द्वारा गोली मारकर घायल कर दिया गया, जिसे इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है, जहाँ घायल की स्थिति नाजुक बताई जा रही है। घायल युवक का कहना है कि उसे सुभाष यादव के द्वारा बुलाया गया और गोली मार दी गई। घायल का कहना है कि सुभाष के साथ किसी बात को लेकर विवाद हुआ था,
जिसके कारण उसे बुलाया और जब वो गया तो वहां पर गांव का ही मिथुन भी था। वहीं सुभाष यादव के द्वारा उस पर गोली चला दी गई, जो गोली उसके सीने में लगी है। घटना की सूचना के बाद पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। हम पहले मेरे को बुलाया वहाँ पे, हम गए और वहाँ पे गोली कॉक करके पहले वो जो है मैगजीन निकाल लिया, कॉक जो किया एक गोली उसमें आता रहा, उसको पहले निकालना चाहिए। वो सीधा क्या क्या कॉक नीचे वाले मैगजीन निकाल के एक गोली तो वहाँ लोड हो गया है, वो मेरे इधर ही घुमा के दाब दिया सीधा। अरे उसको देखे नहीं, केला खेत के पास मारा है। कहे मारा, दुश्मनी तरफ से? नहीं, तो ऐसे बकवास खली हुआ था। कौन मारा, किससे बकवास हुआ था? बकवास तो भाड़े से हुआ था, सुभाष यादव से। कहे हुआ था बकवास? वहाँ पे था मिथुन, दीपक था। गोली कौन चलाया है? गोली चलाया सुभाष। किस किए? हाँ केस अभी किए कहाँ, अभी मैं केस नहीं, फेफ चिन्हे उसका फेस। मेरे घर का बगल का है तो मुँह कौन, अब उसको वो इन होगा और कौन होगा। मेरा अभिमन्यु नाम है, थर्रा घाटी। 13 दिसंबर को पटना के डाकबंगला चौराहा पर सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में सैंडिस कंपाउंड से विरोध मार्च निकाला गया, जो स्टेशन चौक पर जाकर समाप्त हुआ। विरोध मार्च के दौरान शिक्षकों ने अपनी मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। वहीं सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। प्रदर्शन कर रहे शिक्षक अभ्यर्थियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, लेकिन सरकार के निर्देश पर उन लोगों के साथ बर्बरतापूर्ण लाठीचार्ज कर सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों को पीटा गया, जिसमें कई शिक्षक अभ्यर्थी घायल हो गए। इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार 28 दिसंबर तक इनकी मांगों को नहीं मानती तो प्रखंड स्तर से लेकर जिला स्तर तक आंदोलन किया जाएगा। वहीं शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, शिक्षा मंत्री का पुतला भी दहन किया गया। सर आपने देखा होगा कि 13 दिसंबर को किस तरीके से पटना के डाक बंगले चौराहे पर शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे साथी घायल हो गए, बहुत सारे साथियों का हाथ पांव टूट गया है, बहुत सारे साथियों को अंदरूनी चोटें आई हैं और लगभग सैकड़ों साथी जो हैं अस्पताल में कहीं ना कहीं इलाजरत हैं। उन सभी अभ्यर्थियों के लिए, उन सभी के दुख दर्द में खड़े होने के लिए हम लोग कैंडल मार्च लेकर निकले हुए हैं। साथ ही सरकार को यह संदेश देना चाहते हैं कि सर अगर आप सोच रहे हैं कि पटना के डाक बंगले चौराहे पर आपने हमें पीट कर हटा दिया और सातवें चरण के शिक्षक अभ्यर्थी शांत हो जाएंगे, तो इस गलतफहमी में आप मत रहिए। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके से जिलावार हम सभी शिक्षकों ने इस तरीके से तेजस्वी यादव जी का, मुख्यमंत्री जी का और शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन कर ये आप लोगों को संदेश देने का हम लोग काम कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अगर 25 दिसंबर के अंदर हम लोगों का नोटिफिकेशन नहीं आता है, हम लोगों का नियमावली नहीं आता है, तो आने वाले समय में 28 दिसंबर को हम लोग डाक बंगला 3 करेंगे। और अब जिले से लेकर पंचायत, प्रखंड, हर स्तर पर जहाँ भी हम लोगों को प्रदर्शन करना होगा, जहाँ भी ठगबंधन सरकार की नीतियों को बताना और गिराना होगा, हम लोग पूरी मजबूती से गिनाएंगे। और बिहार के जितने भी युवा हैं, सिर्फ शिक्षक अभ्यर्थी ही नहीं, उन सभी युवाओं को भी बताने का हम लोग काम करेंगे कि यह जो सरकार है जो 10 लाख पहली कलम पहली कैबिनेट से रोजगार देने का, सरकारी नौकरी देने का वादा करती है, वो बिल्कुल झूठ है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर खड़े हैं वो सर्टिफिकेट होल्डर हैं, हम लोग सीटेट क्वालिफाइड, और जब हम ही लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, हम ही लोगों को पीटा जा रहा है, तो बिहार के जितने भी आने वाले न्यू जनरेशन के हमारे यूथ हैं, जो भविष्य हैं, जो अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा का तैयारी कर रहे हैं, क्या उन लोगों को नौकरी मिलेगी? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे साथी भी हैं सैकड़ों की संख्या में जो कि अभी प्रतियोगी परीक्षा के, अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में लगे हैं, उन लोगों को भी रोजगार नहीं मिलने जा रहा है। इस बात को हम लोग अलग अलग जगह बताने का काम करेंगे। इसलिए सरकार से विनती है, निवेदन है, वो सरकार से हम लोग आक्रोश भी दर्ज कर रहे हैं कि आप 25 दिसंबर तक हम लोगों का नोटिफिकेशन दीजिए, नहीं तो आने वाले समय में हमारा आंदोलन और बड़ा होगा और विस्तार रूप लेगा। मेरा नाम मानस कुमार सिंह है, मैं भागलपुर जिले से हूँ। मेरे साथ कृष्णा सर है जो जिलाध्यक्ष है, इन्हीं के नेतृत्व में यह पूरा कार्यक्रम हो रहा है और अभी हम लोग भागलपुर के ही चौक